देखिए जो क्रैक हुआ है इसी में भी डालेंगे मसाला, इसलिए बैठा दिया है ऊपर से। अच्छा इसलिए नीचे मतलब दब गया। दब गया। और इधर देखिए दोस्तों, हाँ। हमारे ठाकुर साहब हमारा बाल वगैरह सब यही बनाते हैं, हमारा पूरा घर का कैसे करेंगे। हाँ हाँ लेबन की लिए ले लाइए। और ये देखिए दोस्तों बाजार में भेटा गए मौसी साहब। मौसी जी कैसे लौकी? दस लौकी 10 का मिल रहा है दोस्तों किलो। हम लोग तो 5 रुपया किलो बेच दिए थे बाजार में, दोस्तों 5 रुपये किलो बेच रहे हैं। हेलो दोस्तों, प्यार भरा नमस्कार, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने अपने काम में खुश रहिए। दोस्तों अभी रंग रंग पापा मौसा जी लगे हुए हैं काम में, ये देखिए सबको काम में लग चुका है। और रंगरा पापा क्या कर रहे हैं देखिए, देख लीजिए कौन सा कर रहे हैं जी। खिला लगा रहे हैं जी, कार में खिला लगा रहे हैं, पार हो रहा है इधर उधर। थोड़ा रुकना सेदल है, बड़ा रुकना का है, छोटा रुकना का है, इसमें ठीक हो जाता है। सबको काम में लग चुके हैं और हम जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। अभी बर्तन बांधना है, बर्तन बांध लेंगे और जाएंगे खाना बनाने के लिए। और ये देखिए दोस्तों सुबह से इतना काम हुआ है, देखिए मकड़ा का जाल जैसा एकदम पूरा फैला दिए हैं मौसा जी। क्या मौसा जी? हाँ। पूरा एकदम ये खोपी घर है दोस्तों, इसीलिए इस तरह से करना पड़ता है, नहीं तो ये बनेगा ही नहीं। पहले फाइनल है दोनों, उसके बाद देखना है कैसा डिजाइन दिखाएगा। हाँ हाँ। और आप लोग कमेंट करते हैं दोस्तों कि कविता जी बिंदी और टिकली क्यों नहीं लगाते हैं, ये सिंदूर वगैरह, तो आप लोग जानते हैं दोस्तों हम लोग बोले ही है कि कविता जी के मौसा जी एक्सपायर किए हुए हैं, बड़े मौसा जी, तो इसीलिए अभी नहीं लगा रही है। वो जब 10 कर्मा बीत जाएगा उसके बाद में फिर लगाएंगे। क्या जी? किसान घर का आदमी है ना बाबू। हाँ हाँ, समझ देने सकेगा तब तो। जी जी जी, आराम से बैठ करके देखिए रहता है उन लोग, चीर झार करता है, सिंदूर काजर लगाता है, टिकली सुरमा लिपस्टिक लगाता है, छुटका में इसके नहीं लगा रहे हैं। हाँ, हम लोग का इसी तरह से नियम चलता है दोस्तों, जैसे कोई मर जाते हैं, जैसे अपना परिजन में जैसे मौसाजी हो गए और भी ऐसा कोई मर जाते हैं, तो हम लोग जो है मतलब इस तरह से टिकली बिंदी सिंदूरी सब नहीं लगाते हैं औरत सब। क्या जी? हाँ जी। तो हम लोग अभी काम कर रहे हैं दोस्तों, देखिए अभी हम लोग को यहाँ पर लगाना है, अभी कार करवा भी लगाना है। क्या मौसा जी? हाँ, कुछ कुछ बाकी है तो हो जाएगी। हाँ हाँ, तो जाइए जी आप भी खाना पीना बनाइए। हाँ, कहा कि देखिए इतना टाइम हो गया, अगर अभी खाना नहीं बनेगा ना तो फिर मौसा जी भूखे हो जाएंगे। हाँ देखिए इधर भी एक ठो मिस्त्री साहब बैठे हुए हैं, तो जाइए खाना पीना बनाइए, हम लोग इधर काम करते हैं। ये वाला बढ़िया बनेगा मौसा जी? हाँ बन जाएगा, बहुत अच्छा बनेगा। वहाँ पर काफी धूप लग रहा था दोस्तों, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं छाँव में, ये देखिए। और यहाँ पर अभी काट छोड़ रहे हैं मौसा जी। हाँ। और यहाँ पर सीमल का पेड़ का बहुत अच्छा छाँव है दोस्तों, ये देखिए पूरा एकदम छाया में हम लोग पूरा एकदम आनंद लेकर के हम लोग अभी काम कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों अभी मौसा जी अभी छीन रहे हैं आगर से, यहाँ पर खिला घुसेगा अभी ना मौसा जी। सूखल है सब, बहुत डांट लग रहा है, देखिए ना जातने पड़ रहा है ना, हमारा हो टूट रहा है, पूरा हार्ड है ना, पूरा हार्ड है। हम लोग का देहाती मशीन यही है। उधर अभी मौसा जी उनके साथ में काम कर रहे हैं दोस्तों, तो हम लोग अभी आए हुए हैं नया वाला घर में, और यहाँ पर जो दीवार फट गया है दोस्तों, तो इसको सोच रहे हैं कि इसको आज पैक कर देते हैं मसाला वगैरह बना करके। और काफी सारा कमेंट भी आया था दोस्तों कि मसाला छोड़ दिया है, वो जो प्लास्टर किया हुआ है तो उसी से शायद ये क्रैक हो गया है, तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि उसी से हो गया होगा, तो इसको आज हम लोग बढ़िया से फिनिशिंग कर देते हैं मसाला वगैरह बना करके। तो देखिए अभी जो मिस्त्री साहब आते थे यहाँ पर काम करने के लिए, वही अभी मसाला बना लिए हैं, और साथ में देखिए कविता जी भी लगी हुई है। मसाला तैयार हो गया? हाँ, मिलाएंगे, अभी मिला नहीं है। और इस वाले रूम पे एक ठो पर्दा लगा दिए हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मिस्त्री लोग का सर सामान रहता है, तो इसीलिए हम लोग पर्दा एक ठो लगा दिए हैं। और कुत्ता वगैरह भी डायरेक्ट आ जाता है दोस्तों यहाँ पर घुस जाता है, तो इसीलिए हम लोग एक ठो पर्दा लगा दिए हैं, ताकि यहाँ पर मिस्त्री लोग का सामान सुरक्षित रहेगा, इसीलिए लगा दिए हैं। तो ये अब सुरक्षित हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो उधर देखिए अभी मिस्त्री साहब चले गए हैं, तो अभी वहाँ पर देखिए काम शुरू कर दिए। देखिए जो क्रैक हुआ है इसी में भी डालेंगे मसाला। पानी दे लीजिएगा ना? पाउडर मार देंगे, घोला नहीं देंगे, घोला नहीं दीजिएगा, पाउडर मार देंगे। अच्छा, तो पानी से पहले पटा लेते हैं दोस्तों, उसके बाद में मसाला छापते हैं, ताकि वो गिरेगा नहीं। क्या मिस्त्री साहब? हाँ, तो मसाला छाप करके ये देखिए दोस्तों अभी प्लास्टर जैसा कर रहे हैं, देखिए पतला पतला रबर दे रहे हैं, ताकि मसाला एकदम अंदर घुस जाएगा। देखिए इसी तरह से देना है,
तो मिस्त्री साहब पूरा कर रहे हैं दोस्तों, ये देखिए जो यहाँ से वहाँ तक पूरा दे दिए हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा फटा हुआ था, पूरा दे दिए, हो गया मिस्त्री साहब। तो ये कैसे दबा हुआ था, कैसे फट गया था? ये दीवार था, पुराना दीवार। अच्छा, कॉलोनी था कि क्या आप लोग का पता नहीं। अरे ये है तो बगल कॉलम का घर है ना। हाँ, बिना कॉलम का है, इसीलिए ऐसा हो गया, इसलिए बैठा दिया ऊपर से। अच्छा, इसलिए नीचे मतलब दब गया। हाँ, दब गया ऊपर में, लोड हो गया ना इसलिए। हाँ, ज्यादा लोड हो गया ऊपर में, उसी से हो गया। तो मिस्त्री साहब बता रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर देखिए, वहाँ पर जो लोड है ऊपर में, जो हम लोग दिए हुए हैं दीवार, हम लोग जो छत ढाले हैं, उसी से यहाँ पर लोड हो गया और यहाँ पर दब गया दीवार और उसी से क्रैक हो गया है ना मिस्त्री साहब? हाँ, ये पुराना दीवार है ना। अच्छा, पुराना दीवार है बाबू। पहले ये वाला फिक्स मालूम नहीं था कि कैसा करना है नहीं करना, मिस्त्री लोग जैसे जैसे करके निकाल दिया काम, उसके बाद रह गया। तो पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है दोस्तों, ये देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरा दे दिए, जहाँ भी क्रैक था पूरा दे दिया है, अब कंप्लीट हो गया ना। हाँ, देखिए चारों तरफ दे दिए, पूरा मसाला घुस गया है। अब ऐसा तो नहीं दिख रहा कहीं, अब नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से काम तो खत्म हो गया दोस्तों, तब हम लोग चलते हैं कलवर घाट तरफ, उधर ही काम करेंगे। चलिए मिस्त्री साहब। हाँ, चलिए। और इधर देखिए दोस्तों, मौसा जी लग गए हैं काम में, देखिए भैया आगर से छेद रहे हैं। तो हम भी लगते हैं दोस्तों काम में, उधर तो काम हो गया। तो दोस्तों अभी शाम का समय हो रहा है और अभी हम जा रहे हैं दोस्तों बाजार, और कुछ सब्जी वगैरह भी खरीदना है और कुछ और भी सामान खरीदना है। और इधर देखिए दोस्तों, मौसा जी लग गए हैं काम पे, है ना जी? हाँ जी। तो हम जाते हैं जी बाजार। हाँ जाइए, दीजिए झोला दीजिए। हाँ, तो ठीक है, हम जाते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक। अच्छा जाइएगा। हाँ, तो हम बाजार के लिए निकल गए दोस्तों। देखिए काफी शाम हो गया और मम्मी देखिए इधर अभी थाली मांझ रही है। हाँ, हम बाजार जा रहे हैं। माँ, क्या क्या सब्जी बोले? बैंगन, फरस बीन, ये सब सब्जी, बिलाती भी। तो हम फटाफट चलते हैं दोस्तों, काफी शाम हो गया है। तो दोस्तों हम बाजार पहुंच गए, तो पहले हम ताजा ताजा सब्जी खरीद लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बाजार अभी लगा हुआ है, ज़्यादा बड़ा बाजार नहीं है दोस्तों, छोटा मोटा बाजार है, गांव देहात का बाजार है। तो देखिए इधर पूरा बाजार लगा हुआ है, पूरा ग्रामीण लोग ही आते हैं यहाँ पर, पूरा एकदम गांव का ताज़ा ताज़ा सब्जी है दोस्तों। तो देखिए इधर ही खरीदते हैं सब्जी वगैरह, देखिए लौकी वगैरह है। कैसे लौकी? 10 लौकी 10 का मिल रहा है दोस्तों किलो, हम लोग तो 5 रुपया किलो बेच लिए थे बाजार में। हाँ, हम तो 5 रुपया में किलो बेचे थे, लेकिन यहाँ देख रहे हैं 10 रुपया किलो है। कैसे बिलाती गो दादी? 15 टका। अच्छा, कैसे किलो प्याज? 10 टका। अच्छा अच्छा, आरो सब्जी के ले लिया ओकर बाद फिर है वीडियो बनाओ ये। हाँ, और ये देखिए दोस्तों बाजार में फटा गए मौसी साहब, मौसी जी। हाँ, आओ तो ना, कैसे कर ले? हाँ हाँ, लेबन की लिए है ना, लाइए 40 रुपया। चाची कैसे भिंडी? अच्छा, दाई तो 1 किलो दाई काना ने खोन नहीं। एकदम काफी ताजा भिंडी है दोस्तों, ये देखिए एकदम मस्त हरा भरा है, एकदम बारिश लाए है ना चाची? डाला नहीं गो। हाँ, तो हमें आवे है। हाँ, एखन एखन ले ही एखन आ रहा हूँ, ले लेबे पहले। हाँ, तो रुका नहीं, हमें फिर हूँ आवे है, ओकर बाद लेब। पूरा एकदम महंगा चल रहा है दोस्तों, लेकिन लेना ही पड़ेगा। वीडियो बनैला, वीडियो वीडियो बनैला हो। हाँ, मतलब सॉलिड के यार, एकरा अपना प्रचार में भेज देना हो, बुझले ने? हां, ये कंपनियां वाला। इधर देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा एकदम प्याज है। हां,
एकदम मस्त प्याज है। यहाँ दिखाइए ना, लगाइए लगाइए, तो पहले खड़ा करके लगाइए। हाँ खड़ा, बहुत ही अच्छा प्याज है दोस्तों। कैसे किलो चाचा? ये 15 का, अब जब बिना पत्थर मारल हो। पूरा बाजार 10 रुपया किलो, आप बेच रहे हैं 15 रुपया किलो, उसका कारण? अच्छा आप नहीं ना उतना जानिएगा। अच्छा अच्छा। एक किलो चाची टमाटर दीजिए। कैसे किलो है? 15 का कम नहीं? डाल दा। कैसे किलो टमाटर? 15। तो हम बाजार से निकल गए दोस्तों, ज़्यादा सामान तो नहीं खरीदे। ये देखिए टमाटर और भिंडी खरीदे हुए हैं। माँ तो और भी बोली थी सब्जी खरीदने के लिए, लेकिन ताज़ा ताज़ा मिला ही नहीं। और फ्रेश बीन भी खरीदने के लिए बोली थी, लेकिन फ्रेश बीन खोजे लेकिन मिला नहीं, तो छोड़ दिए। और बैंगन भी ताज़ा देखे नहीं मिला, तो निकल गए बाजार से। तो यहाँ पर राशन का सामान खरीद लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर किराना दुकान है। बोलिए क्या चीज़ चाहिए? दीजिए दाल दे दीजिए 1 kg। कौन सा दाल? 1 kg मूंग दे दीजिए, 1 kg मसूर दे दीजिए। और इधर देखिए दोस्तों, हाँ, हमारे ठाकुर साहब। हाँ हाँ, ये ठाकुर साहब सब कार्यक्रम में हम लोग आ गया है। हाँ हाँ, हमारा बाल वगैरह सब यही बनाते हैं, हमारा पूरा घर का। अच्छा। क्या भैया? हाँ सही बनाते हैं। हाँ। सब कुछ काम काज करता हम ही हैं। तो भैया भी आए हुए हैं अभी दुकान। तो दोस्तों हम सब सामान ले लिए हैं, भैया भी पैक कर रहे हैं। डालिए भैया, ये चीनी है 2 kg भैया। अच्छा, ये मूंग दाल है 1 kg, और ये मसूर दाल है 1 kg, और ये 1/2 kg का सरसों तेल है राधा कृष्ण कंपनी का। जी जी, तो सभी सामान ले लिए दोस्तों, सब बाजार हो गया है, अब निकलते हैं सीधे घर। तो घर हम पहुंच गए दोस्तों। देखिए कल और घर का काम इतना हुआ है, देखिए पूरा एकदम कांड बैठ गया है। आई। क्या कर रहा है बाबू? बेल खा रहा है। पापा इधर बैठे हुए दोस्तों, देखिए अभी गए थे उधर थोड़ा सा खेत तरफ घूमने। हाँ, और इधर देखिए लक्ष्मी और लक्ष्मी की मम्मी। हाँ। इधर बैठे हुए हैं, बेल खा रही है लक्ष्मी भी, बेल खा रही है इधर। और उधर देखिए सोनम अभी झूला झूल रही है। मजा आ रहा है सोनम? हाँ, बहुत मस्त लग रहा है। ये आम का पेड़ में अभी झूला झूल रही है दोस्तों, ये देखिए एकदम मस्त खुशबूदार हवा चल रहा है, ठंडा ठंडा में झूक रहा है। हाँ, तो दोस्तों अभी शाम हो चुका है, और आज देखिए दोस्तों मौसा जी को रोके हुए हैं भजन कीर्तन करने के लिए। तो अभी देखिए हम लोग सभी को इकट्ठा हो गया है, और यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसीलिए यहाँ पर भजन कीर्तन कर रहे हैं कि यहाँ पर ये घर का आयु बढ़ेगा, पूरा आयु बढ़ेगा, तो हम लोग जो है मतलब पूरा अच्छा से हम लोग का घर और भी बढ़िया से तरक्की करेगा, और भी एकदम मस्त बनेगा, है ना? इसीलिए हम लोग यहाँ पर भजन कीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि काम तो रुक गया है ना, क्योंकि काम रुक गया है दोस्तों। और यहाँ पर अगर हम लोग भजन कीर्तन नहीं करेंगे, यहाँ पर अगर नहीं इस तरह से हम लोग घर का सेवा करेंगे, तो यहाँ पर काम नहीं हो पाएगा, और हम लोग का इस तरह का घर का हम लोग का जो है थोड़ा सा आव इसका कम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर भजन कीर्तन करते हैं शाम के साथ। चंचला प्राणायुदास काला न परे दिन राते जे, हम लोग भजन कीर्तन कर लिए, और अभी हम आए हुए हैं कलवट घर में। और इधर देखिए दोस्तों अभी बन रहा है, अभी सब्जी बन रहा है, और देखिए वहाँ पर पटल फ्राई किया हुआ है, और इधर देखिए दोस्तों भात भी बन गया है। दोस्तों खाना बना लिए हैं, बांट लिए हैं खाना को, अब भुंजा भुंजिया दे रहे हैं, अथी का है भिंडी का भुंजिया, चलिए सब में दीजिए। हाँ थोड़ा थोड़ा। तो दोस्तों देखिए हम लोग का खाना लग चुका है, देखिए इधर पापा बैठे हुए हैं, और इधर देखिए मौसा जी बैठे हुए हैं। हाँ। और हम इधर बैठे हुए हैं दोस्तों, और उधर देखिए अभी मम्मी बैठी हुई है। हाँ तो खाइए मौसा जी। हाँ। और इधर देखिए दोस्तों पापा भी शुरू कर दिए हैं खाना। हाँ। तो खाइए माँ। हाँ, हम भी खाते हैं खाना। हाँ, तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग कहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय 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 बाय।